हेलो गाइस, आज हम करेंगे अपना एक नया टॉपिक रिले, जो हमने कल पढ़ा था उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब जो हमें लगाने चाहिए। और इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है, मतलब रिले में जो मैंने कल आपको एक प्रेजेंट रिप्रेजेंटिंग एक सर्किट बताया था, उसके हिसाब से हम एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्सऑर गेट वो करेंगे आज। सो रिले को कैसे यूज़ करना है एंड गेट और गेट की तरीके से, वो आज हम सीखेंगे। तो पहले हम करते हैं और गेट। और गेट में हम और गेट जो होता है हमारा और गेट जो होता है उसमें ए होता है, बी होता है, वाई होता है। ए ज़ीरो, बी ज़ीरो, तो वाई भी ज़ीरो, और ए वन, बी ज़ीरो और वाई वन, और ए ज़ीरो, बी वन, तो वाई भी वन, और वन वन तो वन ही होएगा, क्योंकि जो और गेट होता है उसका जो आउटपुट होता है वो ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी होता है। तो हम इसमें जो सर्किट देखेंगे अभी रिले का सर्किट कुछ इस तरह होगा। हम एक लाइन लेंगे जिससे हमें सप्लाई मिलेगी, फेस मिलेगा। उसके बाद हम एक न्यूट्रल लेंगे, न्यूट्रल, यह है लाइन, यह है न्यूट्रल। और इसमें हम रिले की जो कॉइल है, अगर हम और कर रहे हैं तो एक जो NONC होगा वो ए एड्रेस का होगा, एक NONC होगा, एक बी एड्रेस का होगा। तो इसमें हम दो यूज़ करेंगे। दो यूज़ करने का इसलिए है क्योंकि अगर हम एक प्रेस कर रहे हैं तो भी आउटपुट जल रहा है, और दूसरा प्रेस कर रहे हैं तो भी जल रहा है, और दोनों प्रेस कर रहे हैं तो भी जल रहा है। तो हम एक कॉइल लेंगे यहाँ से लाइन से, इसे ऊपर से लूप बना के, यहाँ पे एक MCB मान लो, जो एक NO है, प्रेस बटन है, पुश बटन है। फिर एक कॉइल है जो एक यहाँ ऐसे कर दो न्यूट्रल से कनेक्ट है। ये कॉइल है K1, इसके पॉइंट है A1 और A2, ठीक है। फिर हम एक और कॉइल लेंगे जो B एड्रेस के लिए होगी, ये भी NO पुश बटन होगा। ये जो ये गेट के 1 और 0 है वो यहाँ पे अप्लाई होंगे इस पे, ओके। यहाँ पे कॉइल A1 A2, ये है K2 कॉइल, इसको न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे, ये हो गया न्यूट्रल से कनेक्ट। और गेट के जो पहली कॉइल के पॉइंट है वो है फेस से कनेक्ट करेंगे 9 को फेस से कनेक्ट करेंगे 9, ये है 1, ये है 5। और हमें क्या करना है, एक आउटपुट लगाना है। हम 5 पे लगाते हैं आउटपुट, ये बल्ब मान लो, इसे हम न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे, न्यूट्रल से। फिर एक कॉइल K2 का हम एक यहाँ से लेंगे 9.5 और 1, इसको आउटपुट एक ही है, लेकिन जब इसको प्रेस करें, मतलब इसको प्रेस करें तो भी एक ही आउटपुट एक ही है तो जले, तो इसको यहाँ से निकाल के यहाँ कनेक्ट कर देंगे। इसका मतलब जब ये चलेगा, जब K2 का पॉइंट चलेगा, मतलब K2 कॉइल एनर्जाइज होगी, तो ये इधर से, ये जो हमारा स्विचिंग एलिमेंट है, ये इधर से 5 पर जाएगा और यहाँ से करंट सप्लाई आके बल्ब ग्लो करेगा। अब इसे समझा देते हैं। जब दोनों प्रेस नहीं होंगे, जब 0-0 रहेगा, मतलब दोनों प्रेस नहीं किया, अभी कुछ नहीं किया, तो ये कुछ काम नहीं करेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जब हमने एक को प्रेस किया, मतलब K1 को, ये NO को प्रेस किया, NC बनाया, इसको प्रेस किया, तो कॉइल एनर्जाइज हुई तो ये वाला काम करेगा। तो ये वाला जो हमारा स्विचिंग एलिमेंट है, ये शिफ्ट करके इधर आएगा और बल्ब ग्लो करेगा। दूसरा कंडीशन है जब बी को हम प्रेस करेंगे, मतलब इसको प्रेस करेंगे, ये क्या कॉइल एनर्जाइज होगी K2, और जब ये एनर्जाइज होगी तो ये काम करेगा तो इसका स्विच करके इधर आएगा और इधर करके ये बल्ब जलेगा, और दोनों को प्रेस करेंगे तो जलेगा, क्योंकि ये भी और ये भी। अगला हम देखते हैं एंड गेट। एंड गेट के लिए इसमें हमारा क्या होता है, 0-0 पे 0 होता है, 0-1 पे 0 होता है, 1-0 पे 1 होता है, और 1-1 पे 1 होता है। तो इसमें जब हम देखते हैं
एक लाइन है, एक न्यूट्रल लाइन, न्यूट्रल इसमें क्या है, वन वन पे जल रहा है, बाकी सब पे जीरो है, बाकी सब पे जीरो है, वन वन पे जल रहा है, बाकी सब पे जीरो है। तो हम जब दोनों प्रेस हों तब जाके जले, तो हम इसको सीरीज में लगा सकते हैं। एक एनो यहाँ पे, फिर एक कॉइल, फिर एक एनो यहाँ पे, फिर एक कॉइल, फिर इसको न्यूट्रल से, ठीक है। एक कॉइल होगी के के वन, के वन ये हो गई के टू, ठीक है। ये पॉइंट हो गया ए वन ए टू, ये हो गया ए वन, ये हो गया ए टू ए वन, ओके। और इसका इस कॉइल के जो पॉइंट होगा उसको हम ये कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब कहा है दोनों प्रेस हो तब जाके चले, तो जो इस पहली कॉइल का पॉइंट है उसको हम नाइन को फेस से कनेक्ट नहीं करेंगे, उसे ऐसे ही रखेंगे। और ये वन, जब कॉइल एनर्जाइज होगी तो ये शिफ्ट होएगा, तो हम आउटपुट यहाँ लगाए थे, यहाँ पे आउटपुट लगाते हैं और ये कनेक्ट करते हैं न्यूट्रल से। न्यूट्रल से कनेक्ट होगा, इसके बाद जो दूसरी कॉइल का हम पॉइंट लेंगे नाइन, दूसरा मतलब जो रिले है, दूसरे रिले की कॉइल का, दूसरे रिले का पॉइंट होगा नाइन फाइव और नाइन फाइव और ये वन। जब इससे कनेक्ट होगा, इसके बाद जब ये जब हम इसको सप्लाई देंगे, तो ये इधर से फेस कहाँ आना चाहिए हमारा, यहाँ पे। मतलब जब ये इससे कनेक्ट हो तो ये यहाँ कनेक्ट होके यहाँ आ जाए। अब इसको सेटिस्फाई कैसे करें, सारी कंडीशन में ज़ीरो है, हम फोर्थ कंडीशन देखते हैं एंड वाली, जब वन वन दोनों को प्रेस करें तब जाके चले। जब हमने इसको प्रेस किया और इसको प्रेस किया, ये एनर्जाइज हुई, ये एनर्जाइज हुई, ये एनर्जाइज हुई, तो ये इधर शिफ्ट करके इधर आ जाएगा। लेकिन जब तक ये एनर्जाइज नहीं होगी, तब तक करंट जो जब तक ये एनर्जाइज नहीं होगी, ये यहाँ नहीं आएगा और करंट हमारे पास यहाँ से यहाँ नहीं आएगा। तो ये एनर्जाइज होगी, यहाँ आ गया, फिर ये एनर्जाइज हो गई, तो करंट यहाँ से आके यहाँ इस फाइव पे आएगा, फाइव से ये बल्ब हमारा ग्लो करेगा और हमारा आउटपुट जल जाएगा। ये हुई एंड गेट के लिए। और मैं गाइज आपको एक इसी तरह के क्वेश्चन देना चाहता हूँ, आप नॉट गेट कीजिए, नॉट गेट के लिए कीजिए। थोड़ा हिंट देता हूँ, सिंपल है। अगर हम प्रेस करेंगे, अगर प्रेस नहीं करेंगे तो जलेगा, प्रेस करेंगे तो नहीं चलेगा, बहुत सिंपल है। एक ही रिले यूज़ होगी इसमें, एक ही कॉइल यूज़ होगी, एक ही रिले यूज़ होगी। और आप अगर एक्सऑर का कर सकते हैं तो एक्सऑर गेट का भी कर लीजिए, अगर आपको समझ में आ गया है, नहीं तो एक्सऑर का मैं अलग से बता दूंगा।